लगता है कि भगवान शिव जहां जहां 12 जगह स्वयं प्रकट हुए वो 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो पहला ज्योतिर्लिंग है वो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, और जो 11वां ज्योतिर्लिंग है वो जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं बाबा केदारनाथ का ये ज्योतिर्लिंग है, 11वां ज्योतिर्लिंग। आज यहाँ पर जीर्णोद्धार पूरा कायाकल्प हुआ है, इसकी तुलना की जा रही है जो आज हम लगातार लोगों से बात कर रहे थे सोमनाथ मंदिर से। पहला ज्योतिर्लिंग और 11वां ज्योतिर्लिंग दोनों तबाह हुए। सोमनाथ जो मंदिर, जो पहला ज्योतिर्लिंग है, उसको मोहम्मद गजनवी से लेकर आक्रांताओं ने उसको तोड़ा कुचला, कई बार उसको तोड़ा, उसका तबाह किया। उस वक्त पटेल ने संकल्प लिया था, देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने समुद्र के जल के साथ ये प्रण लिया था और मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। एक वो जीर्णोद्धार हुआ था, एक यहाँ आप जानते हैं केदारनाथ धाम 2013 में किस तरह की प्राकृतिक आपदा आई थी, वो जलजला आया था, सब कुछ तबाह हो गया था, और एक इसका जीर्णोद्धार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जय बाबा केदार। केदारनाथ ये भारत के लिए धर्म, आध्यात्म और संस्कृति का शक्तिपीठ भी है, और विध्वंस, प्रतिकार और फिर से उठ खड़े होने की प्रेरणा भी। महादेव का ज्योतिर्लिंग महान अतीत का साक्षी भी है, और मंदिरों पर आजादी से अब तक राजनीति का गवाह भी। जो कांग्रेस सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार में सरदार पटेल के शामिल होने को धर्म निरपेक्षता के खिलाफ मानती थी, जिस कांग्रेस पर 70 साल तक राम मंदिर को लटकाने का आरोप है, वही कांग्रेस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ आने से परेशान थी। आज कांग्रेस ने कहा कि पीएम केदारनाथ में अपनी मार्केटिंग के लिए आए हैं। जब भोलेनाथ के पास जाते हैं तो हर व्यक्ति जो है साधारण होता है, साधारण मानव होता है, लेकिन वहाँ अहंकार जा रहा है। मतलब अहंकार को शिव ने, मतलब माना जाए कि अहंकार को शिव ने कभी स्वीकार नहीं। केदारनाथ में भी वो वीआईपी बन के ही गए हैं, आम आदमी बन के या भक्त बन के नहीं। अहंकार का प्रदर्शन करने के लिए गए हैं, और अपने और उस प्रदर्शन का सब प्रसारण हो रहा है, तो उसके लिए गए हैं। इसी तरह कांग्रेस 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर के शिलान्यास के भी खिलाफ थी। देश की कुछ पार्टियों ने कहा था कि ये धर्म निरपेक्षता की हार है, लेकिन संविधान भी कहता है कि धर्म निरपेक्ष होने का मतलब धर्म विहीन होना नहीं है। साथियों, एक समय था जब अध्यात्म को, धर्म को केवल रूढ़ियों से जोड़कर कुछ ऐसी गलत मर्यादा और कल्पनाओं में जोड़कर देखा जाने लगा था, लेकिन भारतीय दर्शन तो मानव कल्याण की बात करता है, जीवन को पूर्णता के साथ, होलिस्टिक अप्रोच के साथ, होलिस्टिक वे में देखता है। प्रधानमंत्री की ये बात समझने के लिए आपको ध्यान करना होगा 1950 का वो वक्त जब भारत आजादी का उत्सव मना रहा था। तब गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का ऐलान किया, क्योंकि पटेल सोमनाथ मंदिर को स्वतंत्र भारत की भावना मानते थे। सोमनाथ मंदिर जिसका महमूद गजनवी से लेकर औरंगजेब तक ने लगातार विध्वंस किया, लेकिन सोमनाथ भी केदारनाथ धाम की तरह फिर से उठ खड़े होने की प्रेरणा बना। इस मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया, यहां की मूर्तियों को खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन इसे जितने भी बार गिराया गया वे उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। इसलिए भगवान सोमनाथ मंदिर आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक विश्वास है और एक आश्वासन भी है। लेकिन सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के वक्त भारत को बताया गया कि सेक्युलरिज्म का मतलब धर्म के साथ खड़ा होना नहीं, और जो धर्म निरपेक्ष उसे मंदिर से दूर रहना चाहिए।
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस बात के विरोध में थे कि उनकी सरकार में गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल सोमनाथ मंदिर के साथ खड़े हों। नेहरू सरकार में मंत्री के एम मुंशी ने अपनी किताब पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में लिखा है कि नेहरू ने पटेल से कहा था कि मैं सोमनाथ के जीर्णोद्धार की आपकी कोशिशों को पसंद नहीं करता, ये हिंदू नवजागरणवाद है, ये धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत है। नेहरू ये भी नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में जाए, लेकिन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये कहते हुए नेहरू को जवाब दिया था कि अपने धर्म में विश्वास करता हूं और अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकता। जब राजेंद्र प्रसाद जी सोमनाथ आए थे तो उन्होंने जो कहा था वो हमें हमेशा याद रखना है। उन्होंने कहा था, सदियों पहले भारत सोने और चांदी का भंडार हुआ करता था, दुनिया के सोने का बड़ा हिस्सा तब भारत के मंदिरों में ही होता था। मेरी नजर में सोमनाथ का पुनर्निर्माण उस दिन पूरा होगा जब इसकी नींव पर विशाल मंदिर के साथ ही समृद्ध और संपन्न भारत का भव्य भवन भी तैयार हो चुका होगा। समृद्ध भारत का वो भवन जिसका प्रतीक सोमनाथ मंदिर होगा। सरदार पटेल के संकल्प से भगवान सोमनाथ का नया मंदिर तैयार हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से केदारनाथ धाम। क्या ये सिर्फ संयोग है कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के वक्त भारत स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा था और केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के वक्त भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है? सरदार पटेल को बीजेपी अपना आदर्श पुरुष मानती है और नरेंद्र मोदी में बीजेपी सरदार पटेल का अक्स देखती है। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। अभी दो दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। भारत का प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा होगा आज हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। क्या ये भी इत्तेफाक है कि लाल कृष्ण आडवाणी ने जब सोमनाथ मंदिर से अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए रथ यात्रा शुरू की थी तब सार्थ नरेंद्र मोदी ही थे और मोदी ही 1990 में राम प्रतिज्ञा से लेकर 2019 में भूमि पूजन तक साक्षी बने। पीएम के नेतृत्व में अयोध्या से लेकर केदारनाथ तक सरकार ने धर्म ध्वजा उठाई भी और भगवा फहराया भी।